सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का यानी जो 2020 में आप देख सकते हो एग्ज़ाम डेट है 1 दिसंबर 2020, उसका जीके का पूरा सेक्शन सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्यों? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली है ना, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, क्वेरी जेन्युइन भी है, बिकॉज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसकी वैकेंसी निकली है उसका एग्ज़ाम न जाने कब हुआ था पिछली बार। तो आप पिछली बार का अगर पेपर देखने बैठे तो उसको आप अभी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अनकंपेरेबल है, बिकॉज पिछली बार काफ़ी पहले हुआ था, दिल्ली पुलिस ने लिया था, माहौल कुछ और होता था, और अभी इस बार SSC लेगा। तो इस वजह से SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो लिया गया है वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 दिसंबर 2020 को पिछली बार, वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इससे तो दिल्ली पुलिस, अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्दर, इसका ये आपका जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है ये आपके ईयर लास्ट में, इसी ईयर के यानी 2022 में ईयर लास्ट में इसकी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए तो हेल्प करेगा। बट यहाँ पे जो मेन टारगेट है दैट इज़ टू सी कि मिनिस्ट्रियल का जो एग्जामिनेशन होगा सितंबर में, जिसकी वैकेंसी अभी निकली है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीके के, तो आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा, बिकॉज इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके हेड कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम में भी। हो सकता है हल्का सा थोड़ा सा लेवल अप हो, बट क्वेश्चन का जो टाइप है वो इसी टाइप का होगा जो यहाँ पर आप अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी दिल्ली पुलिस का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, चैनल तो अपना अलग है परमार SSC नाम से, बाकी अगर दिल्ली पुलिस का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा उसका अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा ज़रा सा सीरियस है तो ही ज्वाइन कर रहिएगा, फर्जी में वहाँ पे क्योंकि तुरंत ब्लॉक किया जाएगा और हमेशा वो चैटिंग के लिए खुला नहीं रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की क्लासेस चलेंगी उसका डेली शेड्यूल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। तो इस वजह से इधर उधर की बातें अगर आपको करनी है तो कोई और ग्रुप ज्वाइन करिएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंखीड़ा लोकगीत छत्तीसगढ़, कश्मीर, ओडिशा या फिर राजस्थान? तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, यानी कि लोकगीत। आप इस चीज़ को नोटिस करते रहिएगा, ये मेन पर्पस नहीं कि बस ABCD देख लिया, मेन पर्पस ये है कि टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन बनेंगे। जैसे लोकगीत ध्यान रखना, लोकगीत और लोक नृत्य ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा फोर्थ, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है साइंस से, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये कंसिडर किया जाता है? कवक यानी फंगस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, या फिर शैवाल यानी एल्गी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, वायरस। वायरस जो है बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है। क्यों बीच का है? बिकॉज जब तक इसको होस्ट नहीं मिला तब तक तो ये नॉन लिविंग है, जैसे इसको होस्ट मिल गया तो ये मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है और ये जो है लिविंग बन जाता है। समझ गया आप, जैसे कि कोविड वायरस है अभी घूम रहा है, ठीक है, हवा में, कुछ नॉन लिविंग है, जैसे गया अंदर मल्टीप्लाई होना चालू हो गया और लंग्स को एकदम बेकार कर दिया, तो वो क्या है, लिविंग बन गया। समझ गया, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है वायरस। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जस्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? व्यास, सिंधु, यमुना या फिर गंगा? तो आंसर है सिंधु। आंसर तो खैर आपके सामने है, बट यहाँ से आप ये नोट करो ये ज्योग्राफी से है। ठीक है, पहला हमने देखा स्टैटिक से था, दूसरा साइंस से था, तीसरा ज्योग्राफी से। अब सिंधु नदी की ये ट्रिब्यूटरी है जास्कर, अब ये मैं सोच रहा वही इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज जाएगा, आ भी सकता है बट एक लेवल अब थोड़ा ऊपर हट के आएगा। जो जास्कर है ये जैसे इंडस है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज जैसा, ये सब नीचे हैं, सदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, सदर्न सहायक नदियाँ हैं इंडस की, सिंधु की, लेकिन जस्कर ऊपर है, जस्कर हो गई, श्योक हो गई, सब ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ नंबर, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? 4, 3, 2, 1। आंसर एक है, कौन है वो एकमात्र, वो एकमात्र है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया अभी तक, और इनको कब मिला था भारत रत्न? 2014 में, 2014 में मिला था। अगला सवाल है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सामद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? तो अब्दुस सामद हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था, ये एक ईरानी चित्रकार था। ये क्वेश्चन आपका हो गया मेडाइवल हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई, टैक्स का रेट? तो ये 10% कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स है तो इस वजह से इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं देखेंगे क्यों किया गया, कब किया गया, बस ये ध्यान रखो कि ये करंट अफेयर्स है क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है वो भी आप ऑब्जर्व करो। तभी मैंने जो GK बूस्टर डोज लाता हूँ मॉर्निंग में डेली बेसिस पे 7:30 AM पे, जो कि रेगुलर
चल रहा है और रेगुलर चलता रहेगा तुम्हारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तो वहाँ पे इसी वजह से मैंने करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ा दी है। कंसिडरिंग कि आप CHSL का उठा लो, MTS का उठा लो और अभी तुम दिल्ली पुलिस, इसमें देखना करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, तो इसी वजह से आप ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं होता है, बट ये होता है कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स से ही है, बिकॉज ऐसे उसने नहीं पूछा है कि टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जर्मनी, क्योंकि न्यूज़ में रहे होंगे इसी वजह से ये पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, उत्तरी, पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी या फिर उत्तर पूर्वी। तो अशोक के हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है, और अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये मेनली तीन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक, प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक, और इनकी जो स्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्ठी रही है, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी ये इनकी स्क्रिप्ट रही है। तो खरोष्ठी वाले कहाँ पे मिले हैं, तो उत्तरी पश्चिमी जो रीजन है, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, यानी कि आप बोल सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे मिले हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है 9th नंबर, रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये भी आपको करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन है, यतीश यादव इसका सही आंसर है, ठीक है। अब जो करंट अफेयर्स का उसमें हमें डीप डेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब का करंट अफेयर आपके लिए करंट अफेयर नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, इजी क्वेश्चन है, एस रामानुजन, रामानुजन अवार्ड भी तो हम देते हैं किसमें, मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए इंडिया में। अच्छा बताओ 2022 में किसको मिला था, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ 2022 का रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्स के लिए किसे मिला था, इस बार पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रख लेना 100% नीना गुप्ता, ठीक है, नीना गुप्ता को मिला था 2022 का रामानुजन अवार्ड। अगला है ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ईंधन का जो कैलोरी मान है उसको ये किलो जूल है, ठीक है, किलो जूल पर केजी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और अगर हम कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी में, देखो एक किलो जूल में तो तुम्हें पता है 1000 जूल होते हैं, ठीक है, बट एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये पता होना चाहिए, तो एग्जैक्ट 4.18 या फिर टू बी रफली अगर देखें तो 4.2 जूल्स होते हैं, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो 2022 तक दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई भी तो दुगनी हो गई, इन्फ्लेशन भी तो दुगना हो गया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया, प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है, मैटरनिटी रिलीफ, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैटरनिटी रिलीफ के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल में, या फिर किस DPSP में, किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मैटरनिटी रिलीफ देने की बात कही गई है, ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 42 में, ठीक है। ये आपका एक है DPSP ने यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक में दिए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिए हैं ये आप कमेंट बताएंगे, ठीक है, उस देश का नाम आई से चालू होता है। गौतमीपुत्र सत्कर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, पल्लव, चालुक्य, शक या फिर सातवाहन। सबसे पहले तुम्हें देख के ही लग सकता है गौतमीपुत्र सत्कर्णी यानी कि हो सकता है कि ये फीमेल थी, बट यहाँ पे तो था लगा है बिल्कुल ये मेल थे। ये जो डायनेस्टी थी सातवाहना डायनेस्टी, इसके जो रूलर्स थे वो अपनी मदर के नाम पे अपना नाम रखते थे, ठीक है, तो सातवाहना डायनेस्टी, और ये गौतमीपुत्र सत्कर्णी सातवाहना डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कोई और था, वो फाउंडर कौन थे, सिमुक थे, सिमुक इसके फाउंडर थे। गौतमीपुत्र सत्कर्णी सबसे पावरफुल रूलर थे, 3rd century BC में इसने रूल किया था और इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को पैटर्नाइज किया था, ठीक है। 15th अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अष्टांग मार्ग किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। अष्टांग मार्ग है क्या, तो अष्टांग मार्ग पहले तो उन्होंने ये बोला कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो यानी कि दुखों से भरा है ये संसार, फिर उन्होंने बोला देयर इज़ कॉज टू सॉरो, इसका एक कारण है, एंड वॉट इज़ दैट कॉज, कॉज उन्होंने बताया कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग यानी कि इच्छाएँ, ठीक है। कांस्टेबल बन गए तो हेड कांस्टेबल बनना है, हेड कांस्टेबल बन गए तो अब SI बनना है, SI बन गए तो अब CGL के थ्रू इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बन गए तो अब UPSC का एग्जाम क्लियर करना है, UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया 300 करोड़ का घोटाला करना है, तो वो जो डिज़ायर है वो रुकती नहीं है, ठीक है, और यही है आपके कॉज ऑफ सफरिंग, ऐसा गौतम बुद्ध ने बोला, ठीक है। अष्टांग मार्ग इन्होंने उसका सोल्यूशन बताया कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इन्होंने बताया कि आप अष्टांग मार्ग को फॉलो करो, राइट स्पीच, राइट लिविंग, अब हमें वो सब रटने की जरूरत नहीं है, बस अष्टांग मार्ग पता होना चाहिए बुद्धिज्म धर्म से
संबंधित है, जिसमें कि आपका सही बोलो, सही रहो, सही एफर्ट मारो, राइट एफर्ट, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा एफर्ट किया और सोचा कि एग्जाम क्रैक हो गया, ठीक है, राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन करो सही, ऐसे नहीं कि पढ़े धुंधुआ रहे हैं सुबह तक, ठीक है, मेडिटेशन करो सुबह उठ के। तो ये इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने बोला, मेरे नहीं, ठीक है, मतलब ये गौतम बुद्ध जी ने बोला, आप फॉलो करो ना करो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। 16 जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तो अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर, हमने देखा दिसंबर में एग्जाम हुआ ना, दिसंबर में, जून का करंट अफेयर है, बहुत पुराना नहीं है, बट अभी अगर हम एसएससी का ट्रेंड देखें तो बहुत पुराना पूछ लेता है, ठीक है। उदय कोटक सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द वेस्ट बंगाल, झारखंड, मेघालय, असम या फिर सिक्किम। आंसर मेघालय होगा, अगर आप देखो मैप में तो वेस्ट बंगाल और मेघालय के बीच में आपका आ जाता है ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले हुआ करता था, यानी बांग्लादेश, यानी कि मेघालय और वेस्ट बंगाल के बीच में हमारा बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मेघालय बाउंड्री नहीं बनाता है। अच्छा, आप ये बताओ जो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं वो आपको कहाँ पे, किस स्टेट में देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज यूज इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें से कौन सा जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में आता है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज मैंने जीके बूस्टर डोज में करवाया कि नहीं करवाया, मोस्टली क्वेश्चंस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे जीके बूस्टर डोज तो आप यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। मेरा टारगेट यही है, जीके जो इतना फैला हुआ रहता है, जैसा फैला हुआ सब्जेक्ट है, उसको समेट के इकट्ठा करना, कंसाइज करना, ठीक है। आंसर इसका रिफाइनरी, तो जी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। और क्या आता है, जैसे आपका फर्टिलाइज़र हो गया 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है, स्टील आता है आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगला, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या फिर महावीराचार्य। तो जो सिद्धांत शिरोमणि है ये लिखा था भास्कराचार्य जी ने, जो कि मैथमेटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया, यानी अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ 2020 विच टाइप ऑफ टैक्स इज रिमूव्ड। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, बजट से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बार का जब हम प्रिपेयर करेंगे तो बजट पर अच्छा खासा फोकस करेंगे। तो लाभांश वितरण कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको रिमूव कर दिया गया जो सेंट्रल बजट 2020 का था उसके थ्रू। अगला है क्वेश्चन 21, सवाई जयसिंह के सरह परस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर को में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया, तो ये करवाया गया था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है। सिंपल है कि जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोलते हैं, वो कौन होल्ड करके रखता है। तो हमारा जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही तो होल्ड करके रखता है। आरबीआई का भी गवर्नर कौन है करंट में, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला है हमारा क्वेश्चन, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जब तक तुम्हें पता नहीं है कि है क्या, ये है बुद्ध जी का पहला सरमन, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसी को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। और जब तक अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तब तुम आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है होना चाहिए। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में, कि बोधि ट्री के नीचे, बोधि पेड़ के नीचे उन्होंने एनलाइटेनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, ठीक है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोध गया में इनको क्या मिला, एनलाइटेनमेंट, ठीक है, और कुशीनगर में जो है इन्हें महापरिनिर्वाण, इनको जो एनलाइटेनमेंट मिला, ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति, उसको निर्वाण बोलते हैं। और जो इनकी डेथ हुई कुशीनगर में, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, ध्यान रखना इन सारे फैक्ट्स को। तो धर्मचक्र प्रवर्तन इन टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यानी कि जो इनका पहला सरमन था वो हुआ था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बताओ पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, ठीक है, उसका नाम मैं चलो बताता हूँ, आर से चालू होता है। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई बुद्ध, गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा माना गया है, तो इसको गुप्त काल की प्रतिमा माना गया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर अगस्त 2020 में भारत और डैश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक को संयुक्त विजेता, अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रशिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, 3 पार्ट में विभाजित है आपका ये, ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया जो अकबरनामा है, और यही इन्होंने ही आपका एन ए अकबरी भी लिखा, और उसी का पार्ट है आपका अकबरनामा, ठीक है, एन ए अकबरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ओडिशा की सबसे लंबी नदी है महानदी, और इसी में कौन सा आपको डैम देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, एंड दैट इज़ हीराकुड डैम, ठीक है,
हीराकुड डैम। और उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? ऋषिकुल्या नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी दो स्टेट में फ्लो होती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल अगेन करंट अफेयर से, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेनिश शापोलोवा के साथ जो है जोड़ी बनाई थी इन्होंने। भारत के पॉलिटी से क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज हमें दिखा। ठीक है, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, आपको बजट से अच्छे खासे क्वेश्चंस दिखे, मेडाइवल हिस्ट्री से भी कुछ अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखे। अब यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, कहाँ से पॉलिटी में हर सब्जेक्ट तो ठीक है नोटिस करो, बट कौन से टॉपिक्स है, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ये। ठीक है, पॉलिटी में आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। डीपीएसपी पे वो देखा था मैटरनिटी रिलीफ वाला क्वेश्चन, तो वो आपका डीपीएसपी से था और ये फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से। कौन सा मौलिक अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन ने अकादमिक वैशिष्ट को छोड़ के, यानी कि अकेडमिक टाइटल को छोड़ के, कौन से टाइटल बाकी सभी टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात करता है? यानी आप अकेडमिक टाइटल को ले सकते हैं बट बाकी सभी टाइटल्स को एबॉलिश करता है, ये आर्टिकल नंबर 18 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 ये कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, सिटीजनशिप के अंदर पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ये, भाग दो में। अनुच्छेद 15 की बात करें, ये बोलता है नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता इन पांच क्राइटेरिया में। 20 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेज, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है, कुछ संरक्षण मिले हुए कुछ तरह के, वो 20 अनुच्छेद में दिया हुआ है। और 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल, छुआछूत अबॉलिशन किस कर में दिया हुआ है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला है बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाओं निर्मित करना करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे सेल्स। फ्रैगमेंटेशन तो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, लेयरिंग में यानी कि लेयर पे लेयर बन रही है, डिवीजन की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ये भी गलत। फ्यूजन में होता तो है बट बहुगुणित नहीं होती हैं। ठीक है, आंसर होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं, अभी कुछ दो तीन दिन पहले हम लोगों ने जीके बूस्टर डोज में देखा है, तो डाफला मीरी अबोर मीसमी मिकिर सब कहाँ हैं? अरुणाचल में। ठीक है, अबोर मीसमी मिकिर मीरी डाफला सब कहाँ हैं? अरुणाचल में। गारो खासी जयंतिया जो अभी तुमसे मैंने पूछा था ऊपर, वो कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार, ये भी आपका करंट अफेयर्स है तो स्किप करना ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार ये भी आपका करंट अफेयर्स है क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का आप देख सकते हो अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप डेली जो है एक एक घंटे या फिर डेढ़ डेढ़ घंटे, कुछ लोग तो दो दो घंटे तक इन्वेस्ट करते हैं करंट अफेयर्स में, इतना ज़रूरी नहीं होता है। 10 क्वेश्चन रोज़ का काम मेरा, रोज़ का मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपका जीके बूस्टर डोज में 10 क्वेश्चन कर दिए, 5 ही है अभी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैं वो लेता हूं, जैसे कि ऐसा नहीं कि कल वाले फिर परसों वाले जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब जैसे CHSL का एग्जाम हो रहा है 24 मई से, तो कल वाला करंट अफेयर थोड़ी ना आएगा, वो तो पूछेगा तुमसे दिसंबर नवंबर या फिर पिछले साल का फरवरी का करंट अफेयर पूछ लेगा, तो वो रखने इंपॉर्टेंट है, ना कि आजकल के। ठीक है, आजकल का जो कल वाला करंट अफेयर है पता चल रहा है कि वो एक साल बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा, और एक साल बाद तुम्हें याद रहेगा कि तुमने कल क्या पढ़ा था या फिर आज क्या पढ़ा था नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा गहन चिंतन कीजिए कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, जितना इन्वेस्ट कीजिए तो उसका आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस कॉपियाँ भर रही हैं और मज़ा आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी करंट अफेयर्स से है आपका क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो द बराबर केव्स आर सिचुएटेड इन बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, तो ये भी आपका स्टैटिक से टॉपिक है, स्टैटिक से। ठीक है, तो ये जो रंगमंच कला है एक तरह से आप फोक फेस्टिवल बोल सकते हो, है ना, फेस्टिवल मार्च, ये होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी, यानी कि इन विच ईयर 9th schedule ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड। देखो, जब संविधान बना था तब मात्र 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूचियाँ थीं, फिर 9, 10, 11, 12, अभी प्रेजेंट 12 है ना, तो पहले 9 वाली ऐड हुई होगी, और 9 वाली अगर तुम्हें यह पता है कि पहले अमेंडमेंट से ऐड हुआ था और पहला वाला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, तो तुम्हें क्या दिक्कत है थर्ड ऑप्शन मारने में, तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th जो शेड्यूल है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था पहले संशोधन से जो 1951 में हुआ था। फिर अगर हम बात करें इसी का, बस ईयर याद रखना है पहले वाले का, बाकी का नहीं भी याद रखोगे चलेगा। ठीक है, फिर आपका 10वां वाला जो शेड्यूल है उसको 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया
किया गया, 11वें वाले को 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया और 12वें वाले को 74th 74वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। 10वें में आपका डिफेक्शन लॉ के बारे में, 11वां पंचायत और 12वां म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग देखते रहेंगे जीके बूस्टर डोज में, सारी चीज़ें हम लोग डीप में पढ़ते हैं। बस यहाँ पे मेन जो है काम ये आपको दर्शाना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी के अभी हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन पॉलिटी सही थे। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो जो सेंसस होता है 2011 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीन देशों के विकल्पों की अपेक्षा सबसे व्यय है, ठीक है, फिर सबसे कम है। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसमें आंसर डी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अंडमान निकोबार में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कम होगी? अरे सिंपल सी बात है, कम होगी। आइलैंड है, कनेक्टिविटी है नहीं लैंड से, इंटरनेट उतना अवेलेबल है नहीं, तो कौन वहाँ पे जाके रहेगा, ठीक है। वहाँ पे उतना डेंसिटी नहीं रहेगा, बट चंडीगढ़ लक्षद्वीप यहाँ पे तो दबा के लोग रहते हैं ना, ठीक है। अब लक्षद्वीप भी मुझे पता है, आपको बोलोगे लक्षद्वीप भी तो आइलैंड है पहले, लेकिन तुम ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। अगला देखते हैं 39th नंबर। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रंथ, या ग्रंथ क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जो भी है देख लेना। तो इनमें से किस ग्रंथ को संगीतबद्ध किया गया, नहीं सिंपल ये पूछ रहा है कि कौन से वेद में म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है। तो ये आपका सामवेद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, चार तरह के आपके वेद हैं। ऋग्वेद के रिगार्डिंग ये फैक्ट याद रखना कि सबसे पुराना वेद है। सामवेद में म्यूजिक के बारे में दिया, यजुर्वेद में आपका सैक्रीफाइस के बारे में दिया है, और अथर्वेद में आपका चंत्र, या सॉरी चंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र, इसको चैंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो चैंट और मंत्र को मैंने मिक्सअप हो गया, वो तो चंत्र हो गया, बट चैंट से या वो मंत्र इसमें दिए हुए हैं अथर्वेद में, ठीक है। अगला 40th नंबर, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने, अगेन ये आपका बजट से क्वेश्चन है, 2020 का करंट अफेयर देख रहे हो, बजट कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? पूछ रहा है आपसे इंग्लिश वालों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली कल्चरल एजुकेशनल नहीं पूछ रहा है, इसमें और थोड़ा और वो स्पेसिफिक हो गया है। वो पूछ रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, किसी भी माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का राइट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 30 में, क्योंकि कल्चरल और एजुकेशनल राइट तो तुम्हारे दोनों आ जाएंगे 29 और 30, बट इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का जो ये है, वो आपको आर्टिकल 30 में मिला हुआ है। 29 में तो ये बोल रहा कि अगर आपकी कोई लैंग्वेज है, कोई कल्चर है, तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ें। और 27 में आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें आपका, और 28 भी उसी में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये भी आपको बूस्टर डोज में करवा चुका हूँ कि कौन सा चार्टर एक्ट के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। 1813 से ख़त्म किया गया था, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, दो एक्सेप्शन बचे थे जिनको 1833 में उनको भी ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड की मोनोपोली 1813 में ख़त्म हो गई, लेकिन दो अभी हैं बचे हैं, तो मोनोपोली तो खत्म ही हो गई ना, बस दो बचे एक्सेप्शन थे उनको भी 1833 में ख़त्म कर दिया गया, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। 43rd, अगेन ये आपका पॉलिटी से, पिछला वाला पॉलिटी से और उसके पिछला वाला भी पॉलिटी से और ये भी पॉलिटी से, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? तो देख रहे हो ये भी आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, और भी हमने दो तीन अभी ऊपर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से देखे, और अगेन ये आपका फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन है। 21A जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन, पहले नहीं था, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले नहीं था, यहाँ पे ए लगा है, जहाँ पे भी किसी आर्टिकल में ए बी सी डी लगा हो, काखा गागा अंगा लगा हो, समझ जाना इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो इसको भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बेसिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है। दैट वॉज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तुमसे पूछा 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 2002 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 44th नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे तुम्हारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, मौलिक कर्तव्य, वो ऐड हुई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो रिलीज़ करता है इसको, कौन है? ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज, ये देखो बाइल की अगर बात करें, बाइल जूस लीवर से क्रिएट करता है। लाइपेज की अगर बात करें, ये आपका पैनक्रियाज जो होते हैं ना, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय जिनको बोलते हैं हिंदी में, वो सेक्रेट करते हैं और ये फैट को तोड़ते हैं, जो फैट्स होते हैं उनको, और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को तोड़ते हैं, और ये आपका स्टमक रिलीज करता है, ठीक है।
46, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो फ्यूनेरिया जो होता है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें कोई भी विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, आप में से काफ़ी लोगों को पता हो सकता है, आप में से काफ़ी लोग गए भी हों, मैक्लोडगंज टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि जो स्मॉल आपके पार्टिकल्स मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे। ये आपकी चिकनी मृदा, यानी कि जो चिकनी सॉइल होती है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइस किसे मिला? रतन लाल को मिला। आपका ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया? तो केरल ने किया। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। खत्म होता है इसके बाद ये रीजनिंग का सेक्शन चालू होता है, लेकिन अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो जो मुझे देख के लगा वो ये है कि करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें कि बजट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट DPSP यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अरे जहाँ से पूछ रहा है वहाँ से वो पूछता है और वहीं से पूछेगा, तो इस वजह से वही पढ़ने की ज़रूरत है। और वही मैं बोलता हूँ कि पूरा थ्योरी अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो पढ़ते रहना फिर, ठीक है, थ्योरी तुम क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए, साइंस से अगर बात करें बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन साइंस से देखने को नहीं मिले, मिले भी तो कुछ इक्का दुक्का, जैसे वो ट्रिप्सन एमाइलेज वाला अभी देखा तो वो इक्का दुक्का बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक थे और हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन थे, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिर हिस्ट्री से और फिर आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक से भी कुछ क्वेश्चन थे, बाकी बस यही है GK का सार। ऐसे ही मिनिस्ट्रियल में भी आपको देखने को मिलेगा। कितने लोग मिनिस्ट्रियल के लिए एकदम रेडी हैं फॉर द क्लासेस? देखो GK के तुम्हारा चल रहा है, पूरा शेड्यूल लेके आऊँगा मैं कल कि कैसे कैसे आपकी क्लास रन करेंगे, पूरा टाइम टेबल। बाकी GK का जो 7:30 AM पे क्लास चल रहा है बूस्टर डोज, उसको तो मिस मत करना, शिद्दत के साथ जो है करवाता हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उससे आपका बेड़ा पार लग जाएगा GK में, ठीक है। आपको भी थोड़ा फेथ दिखाना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर कर देना, और हो सके तो ज़रूर शेयर करना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। धन्यवाद।